उपलब्ध टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। वर्तमान सरकार मजदूर एवं रोजगार विरोधी है। करोड़ों रोजगार देने का वादा कर सरकार में आने के बाद वादे के बिल्कुल विपरीत रोजगार की एक लंबी फौजी इस देश के अंदर खड़ा कर दिया है और ऊपर से लेबर एक्ट में संशोधन कर बेरोजगारी में और बढ़ोतरी कर दिया है। 8 घंटे के बदले अगर 12 घंटे मजदूरों से काम लिया गया तो मजदूरों में रोजगार में कमी आएगी और वह मजदूर रोजगार के लिए टपला खाने पर मजबूर होगा। वर्तमान सरकार के द्वारा इस तरह की घोषणा से साफ पता चलता है कि सरकार कॉरपोरेट घराने के इशारे पर चलकर देश के मजदूरों का शोषण करने पर उतारू है। उपयुक्त बातें रजौड़ा स्थित सार्वजनिक मंच पर लेबर एक्ट संशोधन के विरोध में आयोजित संगठन के एक दिवसीय दो धरना के मौके पर AIYF के जिला संयोजक अमीन हमजा ने कहा। उन्होंने कहा कि बिहारी मजदूर एवं प्रवासी मजदूरों को सरकार रोजगार देने की गारंटी करे और जिस पैकेज की घोषणा सरकार ने किया उस पैकेज को गरीबों को भूखे मरने से पहले उन तक पहुँचाए। कोरोना वायरस के इस महासंकट में लॉकडाउन के साथ असहाय मजदूर एवं गरीब के लिए सुविधा की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। AIYF के जिला मंत्री किशोर कुमार एवं जिला कोषाध्यक्ष अमरेश कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि वर्तमान सरकार के रवैये से साफ पता चलता है कि वह बड़े बड़े उद्योगपति घराने से मिलकर मजदूर रोजगार नौजवान शिक्षा एवं छात्र विरोधी अध्यादेश लागू कर इस देश को बर्बादी की कगार पर भेजने की कोशिश कर रही है। हमारे देश के छात्र नौजवान सरकार की इस मंशा को समझ रही है और आगे आने वाले दिनों में लॉकडाउन के बाद सड़कों से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कार्यक्रम के मौके पर बेगूसराय अंचल के नौजवान नेता जन्मेंजय कुमार ने कहा कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से इस देश के अंदर किसान मजदूर छात्र नौजवान शिक्षक समुदाय सड़क पर आंदोलनरत हैं। पूंजीपतियों के इशारे पर सरकार इस देश के गरीबों का शोषण कर रही है। इसके खिलाफ हमारे देश के छात्र नौजवानों को एकत्रित होकर आवाज बुलंद करने की जरूरत है। आज एक दिवसीय धरना आप लोग किस लिए दिए हैं? सरकार के द्वारा श्रम कानून में जो परिवर्तन किया गया है उसमें जो संशोधन किया गया है उस संशोधन में पहले मजदूरों को 8 घंटे का कानून था लेकिन सरकार ने जो संशोधन किया है उसमें 12 घंटे काम करने का कानून है। दूसरी किस लिए आप लोग धरना दिए हैं? भारत के विभिन्न राज्यों के द्वारा भारत की नींव रखने वाले मजदूरों को उसके श्रम कानून से वंचित किया जा रहा है जिसमें कि प्रत्येक राज्य एक दिन के बाद दूसरे दिन एक राज्य इसमें भागीदारी अपनी ले रहे हैं। वो मैं ये सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि अगर श्रम कानून नहीं रहेगा तो हमारे मजदूर भाई अनाथ हो जाएंगे। हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि श्रम कानून लागू रहे और पूरे हिंदुस्तान में श्रम कानून लागू रहे और श्रम कानून का पालन हो।